हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 95 करने जा रहे हैं। सेक्शन 95 ऑफ द इंडियन पिनल कोड कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेस और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज और दैट इट इज नॉन टू बी लाइकली टू कॉज एनी हार्म इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म। एक बार फिर से आप देख लें, सेक्शन 95 कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेस और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज और दैट इट इज नॉन टू बी लाइकली टू कॉज एनी हार्म इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म। तो सेक्शन 95 कहता है कि किसी भी चीज को ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर उस चीज से किसी को कोई हार्म होता है या उस चीज को करने वाले का इरादा है कि दूसरे को हार्म हो जाए या उस चीज को करने वाला जानता है कि इससे दूसरे का हार्म हो सकता है, दूसरे का नुकसान हो सकता है, तो उस चीज को अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि जो हार्म हुआ है वह इतना मामूली सा है कि कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको सामान्य गुस्सा आता है वह उस हार्म की कहीं पे जाके शिकायत नहीं करेगा। यह शर्त होनी चाहिए तो उस चीज को कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा। फिर से बताता हूं, एक आदमी ने कोई कार्य किया, उस कार्य से दूसरे व्यक्ति का नुकसान हुआ, हार्म हुआ, या एक आदमी ने जो कार्य किया उसका इरादा था कि इस कार्य को करके मैं दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा दूंगा, या एक आदमी जो कार्य कर रहा है वह जानता है कि मेरे इस कार्य से दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो सकता है, तो उस आदमी ने जो कार्य किया उस कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि जो नुकसान उसके कार्य से हुआ है या जो नुकसान वह पहुंचाना चाहता है या जो वह जानता है कि मेरे कार्य से किसी को नुकसान हो सकता है, वह नुकसान इतना मामूली सा है कि कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे सामान्य क्रोध आता है उस नुकसान की शिकायत नहीं करेगा। यह जरूरी शर्त है। नुकसान इतना मामूली होना चाहिए कि कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति उस नुकसान की जाके शिकायत नहीं करेगा कि जी मेरा तो ये नुकसान हो गया है, इस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की जाए या इस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर इतना मामूली सा नुकसान है तो सेक्शन 95 भूमिका में आएगा। सेक्शन 95 अपना रोल प्ले करेगा और यह माना जाएगा कि कोई अपराध नहीं हुआ है। सेक्शन 95 बनाने के पीछे, जो पार्लियामेंट ने सेक्शन 95 बनाया है उसके पीछे वजह यह है कि पार्लियामेंट यह मान के चल रही है कि हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी रोजमर्रा की लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बेहद मामूली होती हैं और उनको आम सामान्य बुद्धि के लोग उनको आसानी से टॉलरेट कर लेते हैं और सामान्य बुद्धि के लोग ऐसे छोटे छोटे नुकसानों की शिकायत नहीं करते, तो ऐसे छोटी छोटी चीजों को अपराध के दायरे से बाहर रखा है, जबकि वो चीजें इंडियन पीनल कोड के सेक्शंस की परिभाषाओं के मुताबिक अपराध होती हैं। इंडियन पीनल कोड के जो सेक्शंस हैं उसकी परिभाषा के हिसाब से तो वो अपराध हैं, लेकिन हार्म इतना मामूली सा है कि कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। उदाहरण के तौर पर आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं या आप एग्जाम में बैठे हुए हैं या आप अपनी क्लास में बैठे हुए हैं और आप अपना कुछ कार्य कर रहे हैं, आपके पेन की इंक, आपके पेन की स्याही खत्म हो जाती है, तो बराबर वाला जो बेंच है आपका, जो दूसरा कोई क्लास का दूसरा स्टूडेंट है या आप ऑफिस में बैठे हैं, आपका जो सहकर्मचारी है, आपने उसकी स्याही की दबाक में अपने पेन को डिप कर लिया है उससे पूछे बगैर, सपोज करो वो सीट पे भी नहीं है,
आपने लिखते लिखते आपका पेन बंद हुआ, आपने उसकी स्याही में अपने पेन को डिप किया और अपनी लेटर को आपने लिखना जारी रखा। तो अगर आप आईपीसी के चोरी की परिभाषा के हिसाब से जाएं, अगर आईपीसी में जो थेफ्ट की परिभाषा बताई है, आईपीसी में जो चोरी की परिभाषा बताई है, तो यह चोरी तो है, डेफिनेटली इसको थेफ्ट माना जाएगा, क्योंकि आईपीसी की डेफिनेशन में ये बिल्कुल फिट बैठता है। उसकी मर्जी के बगैर, उससे अनुमति लिए बगैर आपने उसकी स्याही की दवात में अपने पेन की को डिप कर लिया है और उसकी इंक आपने यूज कर ली है, तो ये थेफ्ट तो हो गया। लेकिन सेक्शन 95 के हिसाब से इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये जो हार्म हुआ, उस व्यक्ति को जो नुकसान हुआ, उस व्यक्ति को जो स्याही का नुकसान हुआ, यह इतना स्लाइट है, इतना मामूली है कि कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति उसकी जाकर कंप्लेंट नहीं करेगा कि जी देखो इसने मेरी इंक चोरी कर ली है, मैं तो सीट पे था नहीं और इसने अपना पेन मेरी दवात में डिप कर लिया है। तो इसको कोई अपराध नहीं माना जाएगा। एक मेट्रो ट्रेन है या कोई बस है जो खचाखच भरी हुई है, बहुत सारे लोग उसमें मौजूद हैं, खचाखच भरी हुई है। दिल्ली मेट्रो की अगर हम बात करें तो जब पीक आवर्स होते हैं तो कई बार उसके अंदर घुसना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब कोई आदमी जबरदस्ती उसमें घुसता है तो उसे पता है कि जब मैं जबरदस्ती घुसूंगा तो एक दो लोगों को धक्का भी मारूंगा, अपने लिए स्पेस भी बनाऊंगा, और उस धक्का लगने से एक दो लोगों को जब पीछे होंगे तो उनको इरिटेशन हो सकता है और किसी को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का धक्का भी लग सकता है। तो आईपीसी की अगर आप आईपीसी के सेक्शंस के हिसाब से जाएंगे तो असोल्ट तो वो हो गया, असोल्ट तो वो हो गया। जब आप अंदर घुस रहे हैं तो भीड़ भाड़ में आपका पैर भी किसी के पैर के ऊपर गिर सकता है, और आप जानते हैं कि जब आप भीड़ में अंदर घुसेंगे तो आपका पैर किसी के ऊपर गिर सकता है। किसी के पैर के ऊपर आपका पैर आ गया तो उसको थोड़ी सी पैर रखेंगे तो वो थोड़ा सा चीखेगा भी, उसको चोट भी लगेगी। लेकिन इन चीजों की कोई शिकायत नहीं करता, कोई थाने में जाकर FIR नहीं दिखाएगा, कि ये नहीं कहेगा कि जी इसने भीड़ में मेट्रो में घुसने की कोशिश की, भीड़ बहुत ज्यादा थी और इसका पैर मेरे पैर के ऊपर आ गया तो मेरे पैर में इंजरी हो गई है, हालांकि असोल्ट है। तो कोई जाके अगर इस तरह की FIR थाने में लिखा दे और थाने में वो FIR दर्ज हो भी जाए, मुकदमा चले ही, तो सेक्शन 95 का बेनिफिट उस आदमी को मिलेगा। वह आदमी ये कह सकता है कि ये तो इतना स्लाइट हार्म है कि कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति इस तरह की कंप्लेंट करेगा ही नहीं कि ये भीड़ में घुस रहा था और इसका पैर मेरे पैर के ऊपर गिर गया। तो ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, इन सब छोटी छोटी चीजों को सफर करने के लिए हम बाउंड हैं, एक समाज में रहने के लिए ऐसी छोटी छोटी चीजें हम करते भी हैं और ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें बर्दाश्त भी करनी है। तो सेक्शन 95 के तहत ऐसा ही माना जाता है। एक केस की अगर मैं बात करूंगा तो एक क्लर्क था पोस्ट ऑफिस में और उसका जो कार्य था वह यह है कि वह लोगों से पैसा लेकर उसको पोस्ट ऑफिस में उसको मेन ब्रांच में जमा कराना होता था। अपनी ब्रांच पे वो पैसा कलेक्ट करके और हेडक्वार्टर पे जाके उसको जमा कराना होता था और उसको जमा कराने थे 1839 रुपए, 1839 रुपीज। उसने 1839 रुपीज को 21 डेज तक डिपॉजिट नहीं कराया, 21 डेज तक उसने उस पैसे को अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। उसको कहीं जरूरत पड़ गई होगी, अपने बच्चे की फीस जमा करनी होगी या कोई और वजह थी, उसने उस पैसे को अपने लिए यूज कर लिया और फिर 21 दिन बाद वह गया और उसने वह पैसा जाके मेन ब्रांच में जमा करा दिया। उसके ऊपर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का मुकदमा चला, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का मुकदमा उसके ऊपर चला और फाइनली यह फैसला आया, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इस केस के ऊपर सेक्शन 95 लागू होता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसने पैसा जमा करा दिया, सिर्फ उसने पैसे को डिले किया और अमाउंट बेहद छोटा था 1839। तो हार्म इतना स्लाइट है कि कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति उसकी कंप्लेंट नहीं करेगा। सेक्शन 95
यहां पर लागू होगा। तो सेक्शन 95 की हमने बात की, सेक्शन 95 यह था। और आप कई बार ऐसा कह सकते हैं कि जैसे आपने कई बार देखा होगा जब आप चोरी के मुकदमे लड़ रहे होते हैं और आप जज साहब के सामने ये कहते हैं कि जी अमाउंट कम था, जो इसने देखो चीटिंग की है या चोरी का मुकदमा है, चीटिंग है, तो आप कहते हैं कि जी देखो सिर्फ 5,000 रुपए की इसने चीटिंग की, तो थोड़ा इसको बेल दे दो, या सिर्फ 10,000 रुपए की चीटिंग की इसने बेल दे दो। तो अक्सर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, जो सरकारी वकील होते हैं, वो अक्सर आपसे बहस करते हैं और आपसे वो सीधा ये कहते हैं कि वकील साहब कैसी बात आप कर रहे हो, चोरी तो चोरी है, चाहे 10 रुपए की हो चाहे 50 लाख रुपए की हो। अगर इस बार पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपसे ऐसा कहे कि चोरी तो चोरी है, चाहे 10 रुपए की है, चाहे 50 लाख रुपए की है, तो सीधा आप उनको सेक्शन 95 पढ़वाना और कहना कि अगर 10 रुपए की चोरी है तो उसको 50 लाख की चोरी के बराबर आप ट्रीट नहीं कर सकते। अगर 10 रुपए की चोरी है तो कम से कम 10 रुपए की चोरी के ऊपर तो सेक्शन 95 लागू होगा ही होगा, क्योंकि 10 रुपए की चोरी इतना स्लाइट हार्म है कि कोई जाके थाने में उसकी FIR दर्ज नहीं कराने वाला सामान्य बुद्धि का आदमी। तो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को सेक्शन 95 जरूर पढ़वा दीजिए। कल आऊंगा इसी सेक्शन को लेकर, इंग्लिश मीडियम में इंतजार कीजिए। अब आपसे विदा लेता हूं, आपका अपना एडवोकेट सुनील कुमार। खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें।